हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समझते हैं मल्टी वेंडर इकोवेशन की टोटल से चल रही है, तो आज तक हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने इसमें यूजर्स को ऐड करा चुके थे, देन प्रोडक्ट ऐड करा चुके थे। हम एडमिन पैनल को विजिट कर लेते हैं, तो हम एडमिन पैनल लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूजर सेट कराए थे, देन यूजर्स को एड अपडेट डिलीट कराया था, देन हम प्रोडक्ट भी ऐड करा चुके हैं। तो आज से हम इसके फ्रंट एंड पर वर्क करेंगे। एडमिन पैनल हम इतना वर्क कर चुके हैं, इसकी लिंक हम फ्रंट एंड से करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड से यूजर को हमने एडमिन पैनल से तो ऐड कराया है, लेकिन यूजर फ्रंट एंड से साइनअप करने का हमने ऑप्शन नहीं दिया। तो आज से हम फ्रंट एंड पर यूजर साइनअप ऑप्शन पर वर्क करेंगे। तो हम चलते हैं फ्रंट एंड पर, और यहाँ से हम चलते हैं लॉग इन की तरफ। और यहाँ पर इसे लॉग इन इसलिए इशू आ रहा है, तो हम इसे इनकॉग्निटो पर ओपन करते हैं। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं लॉग इन पेज पर। तो सबसे पहले तो हम इसे एक बार लॉगआउट बना लेते हैं इसका, तो हमें अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर एक बटन देते हैं और इसे लॉगआउट करवाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लॉग इन पेज पर नहीं जा रहे हैं। अगर स्लैश लॉग इन लिखते हैं तो हम लॉग इन पेज पर नहीं जा पाएंगे। ये देखिए, तो हम इसे जो है लॉग इन पेज पर ले जाना है। अगर हम होम पेज पर रहते हैं और होम पेज से हम जाने की कोशिश करते हैं होम स्लैश लॉग इन पर, तो नहीं जा पा रहे हैं। तो हम इसे लॉगआउट कराएंगे। तो लॉगआउट करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे हमारा हेडर। हम चलते हैं व्यू फोल्डर के अंदर और एडमिन, देन इंक्लूड्स के अंदर हेडर डॉट पी एच पी, और यहाँ पर हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड यहाँ से हम इसे ही कॉपी करते हैं डैशबोर्ड वाला जो है, और यहाँ पर हम इसे करेंगे पेस्ट, और यहाँ लिखेंगे हम लॉगआउट, और यहाँ लिखेंगे एडमिन स्लैश लॉगआउट। देन एडमिन कंट्रोल के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे लॉगआउट नाम से। तो हम चलते हैं एडमिन, और यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे पब्लिक फंक्शन लॉग आउट, और इसमें हम सेशन को अनसेट करेंगे जो हमने होम कंट्रोल के अंदर सेट किया हुआ है। ये हमारा सेशन है, तो हम इस सेशन को कॉपी करते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं सेट की जगह अनसेट यूजर डेटा, और इस सारे को ऐसे रिमूव करते हैं, केवल नाम देते हैं सेशन का, और इसे कर देंगे रिडायरेक्ट। बेस यू आर एल डॉट होम स्लैश लॉग इन देन सेमीकोलन, देन हम इसे करेंगे रिलोड। तो एक्टिव क्लास हम रिमूव करते हैं, देन सेव करके रिलोड करेंगे। तो एक्टिव क्लास रिमूव हो चुकी है, देन अब क्लिक करते हैं इस पर। तो देखिए, हम लॉग आउट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से रिलोड करने पर, अगर हम यहाँ क्लिक करें तो भी हम एडमिन पैनल के अंदर नहीं जा रहे हैं, हमें लॉगिन करना होगा एडमिन पैनल के अंदर जाने के लिए। तो हम यहाँ से तो सबसे पहले हम यहाँ से साइनअप करेंगे। तो देखिए, क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइनअप पेज आ चुका है। हमने इस पेज की डिज़ाइन की थी, इसका हमने कोड नहीं किया था। अगर हम इसे स्पेक करें तो देखिए, हमारा नॉर्मल फॉर्म बना हुआ है। तो आज हम इस फॉर्म का यूज़ करते हुए यूज़र्स को साइनअप कराएंगे। तो साइनअप कराने से पहले हमें यहाँ पर दो रेडियो बटन देने हैं कि जो हमारा यूज़र है वो किस टाइप का है। तो आइए इस फॉर्म पर चलते हैं। हम इस फंक्शन पर चलेंगे सबसे पहले होम स्लैश साइनअप, और ये हमारा फंक्शन है। इसके अंदर हमारा व्यू लोड रहा है साइनअप, तो हम इस व्यू को ओपन करते हैं साइनअप, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन यहाँ पर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे और उसमें देंगे कॉल एस एम ओपन 12, और यहाँ पर देंगे डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ देंगे इनपुट टाइप रेडियो, देन एक्सेस इसका नाम होगा, और वैल्यू में 1 देंगे कस्टमर, और इसे ही कॉपी करेंगे। वेंडर अगर एक्सेस नो एक्सेस 2 और 3 रखा था हमने,
तो वन तो एडमिन का है, देन इसे करते हैं हम रिलोड। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, अगर इनमें हम थोड़ी सी स्पेस दे दें, यहाँ पर लगा दें हम एम परसेंट ऑफ एन बी एस पी देन सेमी कॉलन, और रिफ्रेश करेंगे थोड़ी स्पेस आ जाएगी इनके बीच में। रिलोड, तो ये हमारा यूज़र इस तरह से आ रहा है। तो अब हमें इसे साइनअप कराना है, तो साइनअप कराने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमने जे एस सेट करी है जो हमारे एडमिन पैनल पे चलती है इस टाइप की। तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर ऑथ डॉट जे एस हमने फाइल बनाई हुई है जिसमें हमारा फॉर्म का कुछ लेआउट इस तरीके से, तो हम इसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं कि वक्त किस तरह से करती है। तो इसमें सबसे पहले हम लॉगिन यूज़र हमारा फॉर्म है, वो फॉर्म जैसे सबमिट होता है तो हम उस करंट फॉर्म का यू आर एल गेट करते हैं और डेटा गेट करते हैं, देन उसका इसको एक्सपायर करते हैं, और अगर ट्रू होता है तो हम उसे रिडायरेक्ट कर देते हैं बी एस यू आर एडमिन पर, अदरवाइज सेल्स पर। तो ये वाली स्क्रिप्ट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रिप्ट स्टेटिक स्क्रिप्ट है यहाँ पर यू आर एल से, तो हम हमारा कोड ही यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस बनाया था। तो उसके लिए हम ऑथ डॉट जे एस को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो हम चलते हैं यहाँ से टूल्स के अंदर, जे एस के अंदर ऑथ डॉट जे एस, और एक और हम फाइल ओपन करते हैं हमारी एडमिन पैनल वाली। तो एडमिन पैनल के अंदर जे एस के अंदर हमने यहाँ पर कस्टम डॉट जे एस बनाई हुई है, तो हम इस फाइल का यूज़ करेंगे पूरे एडमिन पैनल पर, फ्रंट एंड पर सॉरी। देन इसे करते हैं यहाँ से कॉपी, और इसे हम करेंगे यहाँ पर यूज़, देन इस का यूज़ करेंगे हम फॉर्म पर। तो जहाँ पर भी हमारा फॉर्म बन रहा है, तो हमारा फॉर्म ये है, फॉर्म एक्शन एको बेस यूआरएल होम स्लैश होम से साइन अप, देन क्लास, और इसे यहाँ पर हम जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर हम इस फॉर्म को करेंगे, यहाँ पर हम इसके ऊपर वाले डिव पर करते हैं, यहाँ करेंगे फॉर्म को क्लोज। और हमारा जो साइन अप वाला फंक्शन है इस पर हम वैलिडेशन लगा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम इफ डॉलर दिस इनपुट मेथड अगर पोस्ट होती है तो हमारा ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा, और इसे करेंगे हम इसे कट, और यहाँ पर करते हैं हम प्रिंट आर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमें इसे एक चेक बताना है, तो हम डिफ़ॉल्ट कस्टमर को चेक बताएंगे, तो हम इसे कस्टमर वाले पर चेक लगा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चेक्ड और रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा कस्टमर वाला ऑप्शन चेक्ड हो चुका है, और अगर चेंज करते हैं तो वन चेक हो जाएगा, दूसरा चेक हो जाता है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म प्रॉपर सबमिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जी एस ओपन हुई है, तो हम फुटर में जाकर चेक करेंगे, जी एस हमारी लोड नहीं हो पाई है, तो हम इसे हार्ड लोड करेंगे, हमारी जी एस लोड हो चुकी है, इस पेज को एक बार हार्ड लोड करेंगे, और इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमने हमारे फॉर्म पर क्लास लगा दी, तो हमने हाँ क्लास लगा चुके हैं डेटाबेस ऑपरेशंस, देन अब इसे हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, देन यहाँ से हम इसे फॉर्म को सबमिट करके नेटवर्क चेक करेंगे इसका कि नेटवर्क हमें डेटा मिल रहा है या नहीं। तो हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए 200 और हमारा जितना भी डेटा है हमें यहाँ पर नेटवर्क पे अवेलेबल है। तो हमारे पास डेटा आ चुका है, अब हमें इस पर वैलिडेशन लगाना है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम कोऑर्डिनेटर की फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर दिस फॉर्म वैलिडेशन के अंदर सेट रूल्स ये कहते हैं, थोड़ा डाउट है कि सेट रूल्स गलत नहीं लिख रहा है, वह चेक कर लेते हैं प्रीवियस पर, ठीक है सेट रूल्स सही है, स्मॉल ही आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने चाहिए नेम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एक्सेस। तो देंगे नेम, वो यहाँ देंगे नेम, और ये होगा रिक्वायर्ड, इसी के साथ हम इसे कॉपी करते हैं
ईमेल रिक्वायर्ड एंड वैलिड ईमेल, देन इसके बाद होगा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद होगा एक्सेस, देन एक्सेस के बाद होगा पासवर्ड। तो हम इसे एक बार पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे पासवर्ड। देन इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, इफ डॉलर धीस फॉर्म वैलिडेशन रन, और इसे देते हैं ट्रू। अगर ट्रू होगा तो हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। और यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आर वैलिडेशन अंडरस्कोर एरर्स, और अगर कंडीशन कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, देन चेक करते हैं उसे। तो हम भी पासवर्ड एम्प्टी छोड़ते हैं और साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ईमेल और पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ पर ईमेल तो दी हुई है फिर भी, तो ओके यूज़र नेम है, यहाँ पर ईमेल नहीं है, यूज़र नेम। देन अब हम इस पर ईमेल फिल कर देते हैं, देन इसके बाद हम यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी ईमेल आ रही है और जो भी पासवर्ड उस पर सेट थे वो आ चुके हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम यहाँ से पासवर्ड को खाली कर देते हैं, देन अगेन देखें, तो देखिए द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, और अगर पासवर्ड के अंदर डेटा आ जाता है तो हमारा जो है सक्सेस हो जाती है। तो ये ट्रू कंडीशन होती है तो हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वैलिडेशन प्रॉपर वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसे डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे और इसे लॉगिन कराकर एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल की तो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या मेरे किसी अनदर प्रोजेक्ट के सोर्स कोड या ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट पर मेरे सारे ट्यूटोरियल और उनके सोर्स कोड अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देन उन्हें विजिट भी कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।